अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज ये वाद विवाद प्रतियोगिता हम लोग दो सेशन में आयोजित करेंगे, हिंदी और इंग्लिश सेशन में। इसी जनसंख्या लाभांश ने इंडियन ऑयल, रिलायंस, टाटा मोटर्स जैसे व्यवसायों को विश्व के उच्चतम 500 व्यवसायों में पहुँचाया है। India is currently at an all-time high GDP of 3.17 lakh crores USD. You know how much that is? It was enough to get India to the fifth place in the global GDP rankings. मेरा देश ये expect कर रहा है कि ये लड़की अपना कोई contribution हमारे देश में देती है या नहीं देती है, क्योंकि जब तक individual contribution नहीं होता, देश का विकास का contribution नहीं होता है। निर्णायक मंडल को न्याय करना है तो प्रस्तुतिकरण में धनात्मक ऋणात्मक विषय आते हैं, उसके हिसाब से जजमेंट होता है, उस पे ना जा करके हमारे निगाह में जो 32 छात्र हैं, 3200 छात्र हमारी नजर में अधिष्ठाता के नाते प्रत्येक प्रतिभागी हमारे लिए विजेता है। As judges, they have been into this debating, stage performances, oratory, first year, second year, third year, fourth year, continuously. संचालित हो रहे हैं। पंतनगर को डिबेटिंग का हब कहा जाता है और इस तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ पर होती हैं और स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन होता है, तभी हम इस तरह के छात्र इस विश्वविद्यालय में प्रोड्यूस कर पाते हैं जो देश विदेश में जाकर ख्याति प्राप्त करते हैं।